बीमार महिला की जिंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन की तलाश में निकले पांच लोग मौत के मुंह में समा गए। थाना तिलहर क्षेत्र के नेशनल हाईवे 24 पर बंथरा के पास स्विफ्ट गाड़ी पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों समेत पांच लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी लोग ऑक्सीजन की तलाश करते हुए बरेली से वापस लौट रहे थे। इसी बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं मिशन 24x7। थाना निगोई क्षेत्र के रधौला गांव की रहने वाली जमका देवी बीमार थी, जिसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो डॉक्टरों ने तत्काल ऑक्सीजन का इंतजाम करने के लिए बोला था। परिवार के लोग शाहजहांपुर में ऑक्सीजन की तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली, जिसके बाद महिला के पति नरेश राठौर, महिला का देवर हीरालाल, बेटा कौशल, दामाद राम गुलाम और चालक विजय कार से ऑक्सीजन की तलाश में बरेली गए थे, लेकिन बरेली में भी उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। ऑक्सीजन ना मिलने पर परिवार महिला को लेकर शाहजहांपुर वापस लौट रहा था। इसी बीच स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। कार की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में महिला जमका देवी, उसका पति नरेश राठौर और बेटा कौशल भी शामिल है। दामाद राम गुलाम की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि परिवार के लोग देर रात से ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे थे, लेकिन उन्हें बीमार महिला के लिए ऑक्सीजन नहीं मिली। किसी ने उन्हें बरेली ले जाने की सलाह दी, लेकिन बरेली में भी महिला जमका को इलाज नहीं मिला और वापस लौटते वक्त कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें बीमार महिला समेत पांच लोगों की मौत हो गई। फिलहाल गंभीर रूप से घायल एक शख्स को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज थाना तिलहर क्षेत्र में एक हॉस्पिटल वरुण अर्जुन, उसके पास एक बरेली से आती हुई एक डिजायर कार एक पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें चार व्यक्तियों की मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई और एक दो लोग घायल थे, जिनमें से एक व्यक्ति की का दुखद निधन जिला अस्पताल में हो गया। इसमें जो एक व्यक्ति घायल है अभी, वो उसका इलाज चल रहा है। CMO से बात की है कि इसके इलाज में जो भी आवश्यकता हो उसके अनुसार उसको इलाज मुहैया कराए। ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये परिवार बरेली गया हुआ था किसी काम से और वहाँ से लौट रहा था। संभवतः ड्राइवर को कुछ उसका या तो कंसंट्रेशन लैप्स हुआ हो या नींद आ गई हो, तो अपने ही साइड में एक पेड़ से उस गाड़ी काफ़ी तेज़ी से आ रही है ऐसा प्रतीत होता है और गाड़ी के टकरा जाने से यह दुखद घटना हुई। जो घायल व्यक्ति है उसको इलाज के लिए पुनः DM साहब द्वारा भी और मेरे द्वारा भी कहा गया है कि इसकी इलाज में जो भी जरूरत और आवश्यकता हो उसके अनुसार कार्रवाई। शाहजहांपुर में कोरोना संक्रमण के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिले में बीते 24 घंटे में कोरोना के 606 और नए मरीज सामने आए हैं, तो वहीं 24 घंटे में ही 429 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस लौटे हैं, जिसके बाद अब स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 10,147 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटे में संक्रमण के चलते 5 मरीजों की मौत भी हुई है, जिसके बाद मरने वाले मरीजों की संख्या 192 हो गई है। जिले में मौजूदा हाल में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामले 4,250 हैं। सिंधौली गांव से प्रधान पद के लिए पिंटू वर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रमेश पाल सिंह को शिकस्त दी है। पिंटू वर्मा ने 672 वोट हासिल किए, जबकि रमेश पाल सिंह ने 534 वोट हासिल किए हैं। जीतने वाले पिंटू वर्मा BJP विधायक रोशन लाल वर्मा के करीबी बताए जाते हैं। फिलहाल सभी ने उनको जीत के लिए बधाई दी है। कटरा से भाजपा विधायक वीर विक्रम सिंह ने जिला निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी लिखकर रिटर्निंग ऑफिसर जैतीपुर के विरुद्ध जांच कराकर कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि रिटर्निंग ऑफिसर जैतीपुर ने बिना मतगणना के ही क्षेत्र पंचायत 58 जैतीपुर का जीत का प्रमाण पत्र जारी कर दिया। शहर में लॉकडाउन मजाक बनकर रह गया है। यहाँ गदियाना चुंगी के पास लोग लॉकडाउन तोड़कर सड़कों पर नजर आए। इतना ही नहीं, टेम्पो में क्षमता से अधिक सवारियाँ दिखाई दीं। यह नज़ारे उस वक्त के हैं जब कोविड-19 के संक्रमण से रोजाना कई लोगों की मौतें हो रही हैं
और सैकड़ों संक्रमित हो रहे हैं। अब शायद जिला प्रशासन को सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराना होगा। सिंधौली में एक ही परिवार की चार बहुओं ने एक साथ जीत हासिल की है। सिंधौली के वार्ड नंबर 1 से मंजू सिंह विजय हुई हैं, वार्ड नंबर 3 से सुधा सिंह, जमुनिया मैनी से सुनीता सिंह और रघुनाथपुर से रीतु सिंह ने जीत हासिल की है। एक ही परिवार की चार बहुओं की जीत के बाद घर में खुशी का माहौल है। आयुध वस्त्र निर्माणी के कनिष्ठ कार्य प्रबंधक भुवनेश चंद्र जौहर का आज कोरोना से निधन हो गया। वह रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे और उनके पुत्र राजीव कुमार एक साथ कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। भुवनेश चंद्र जौहर को सांस लेने में तकलीफ के कारण रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था, यहां आज उनका निधन हो गया। सिंधौली के ढकिया हमीदनगर से क्षेत्र पंचायत सदस्य के उम्मीदवार बालेश्वर सिंह ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी सुनीता सिंह को 332 मतों से शिकस्त दी है। आपको बता दें कि सुनीता सिंह प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की जिलाध्यक्ष फिरोज सिंह उर्फ कल्लू यादव की पत्नी हैं और निवर्तमान में ब्लॉक प्रमुख भी हैं। थाना कटरा क्षेत्र के कालाभोज एवजपुर गांव के रहने वाले रामू के घर में चोरों ने धावा बोल दिया। देर रात लगभग 1 बजे चोरों ने घर में घुसकर 2 सोने की चैन, सोने की झुमकी, कुंडल, लगभग 800 ग्राम चांदी और 45,000 रुपये चोरी कर लिए। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। तिलहर में जिला पंचायत सदस्य पद पर जीतने वाले प्रत्याशियों का सम्मान किया गया। समर्थकों ने वार्ड नंबर 1 से भाजपा प्रत्याशी आरती वर्मा के पति हर्ष राजपूत, वार्ड नंबर 3 से गुड्डी देवी के पति जब्बू सिंह यादव और वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी राजेश्वरी गंगवार के रिश्तेदार नेत्रपाल गंगवार का फूल मालाओं से स्वागत किया। तिलहर में मतगणना के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर माहौल बनाया गया। यहां कोतवाल हरपाल सिंह बालियान ने सभी लोगों से कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील की। साथ ही ये भी कहा कि अपील न मानने के बाद पुलिस कार्रवाई करने को मजबूर होगी। नगर आयुक्त संतोष कुमार के निर्देश पर आज नगर निगम के कई इलाकों में साफ सफाई के साथ सैनिटाइजेशन भी करवाया गया। कोविड-19 के संक्रमण के चलते नगर निगम में युद्ध स्तर पर साफ सफाई का काम चल रहा है। सिंधौली ब्लॉक के भटपुरा रसूलपुर से अनित कुमार गुप्ता प्रधान पद में विजय हुए हैं। उन्होंने 555 वोट हासिल करके अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पप्पू को शिकस्त दी है। जीत के बाद लोगों ने फूल माला पहनाकर बधाई दी।